मध्य प्रदेश के रीवा के फास्ट बॉलर 26 साल के कुलदीप सेन दुबई में होने जा रहे एशिया कप में खेलेंगे। उसका सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम के 18 सदस्यीय टीम में हुआ है। 22 अगस्त की रात भारतीय टीम के मुख्य सिलेक्टर चेतन शर्मा का कुलदीप को कॉल आया। उन्होंने कुलदीप को मुंबई पहुंचने के लिए कहा। बुधवार रात टीम दुबई के लिए रवाना भी हो गई। क्रिकेट का एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच दुबई में खेला जाएगा। कुलदीप सेन के कोच एरिल एंथोनी ने बताया कि 18 सदस्यीय टीम में बैकअप खिलाड़ी स्टैंड बॉय के रूप में श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और अक्षर पटेल का चयन हुआ था। चोट के कारण दीपक चहर को ड्रॉप किया गया है, उनकी जगह कुलदीप सेन को चुना गया है। छोटे भाई जगदीप सेन ने बताया कि 22 अगस्त की दोपहर कई बार बीसीसीआई की ओर से कॉल आया, पासपोर्ट आदि मांगा गया। शाम तक यूएआई का वीजा मिलने के बाद मुख्य सिलेक्टर चेतन शर्मा का कॉल आया। उन्होंने 18 सदस्यीय टीम में शामिल होने की पुष्टि की। इसके बाद 23 अगस्त की सुबह 9 बजे कुलदीप सेन प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। दोपहर 2:30 बजे प्रयागराज से मुंबई की फ्लाइट मिली। शाम 5 बजे मुंबई पहुंचे। रात तक बीसीसीआई कैंप ऑफिस पहुंचकर टीम से जुड़ गए। कुलदीप सेन का जन्म 28 अक्टूबर 1996 को रीवा के ग्राम हरिहरपुर में हुआ था। पिता रामपाल सेन की सिरमौर चौराहे पर सैलून शॉप है। तीन भाइयों में सबसे बड़े कुलदीप क्रिकेटर हैं। दूसरे नंबर के भाई राजदीप सेन का हाल में मध्य प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है। तीसरे नंबर के जगदीप सेन कोचिंग चलाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। आईपीएल के कई मैचों में कुलदीप ने 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर चुके हैं। बता दें, कुलदीप कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद 13 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं। कोच एरिल एंथोनी ने क्रिकेट की बारीकियां सिखाई। घरेलू क्रिकेट और रणजी में शानदार प्रदर्शन के कारण राजस्थान रॉयल्स टीम ने आईपीएल में 20 लाख रुपए पर खरीदा था। आईपीएल के कई मैचों में अच्छी गेंदबाजी के दम पर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। ऐसे में भारतीय टीम में स्टैंड बॉय के रूप में शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।